हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस रोज। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरी नाम है रोज, मेरा नाम है पीयू। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए एंड घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, आज हम करने वाले बैड जोक्स चैलेंज। बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि पीयू कुछ जोक्स बोलेगी और मैं कुछ जोक्स बोलूंगी और किसका जोक सबसे ज्यादा फनी था वो आपको जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी उसके कमेंट सेक्शन में बताना है। मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसका जोक सबसे ज्यादा फनी था। अगर आपको लगता है कि मेरी जोक सबसे ज्यादा फनी था तो कमेंट सेक्शन में ए टाइप करना, और अगर आपको लगता है कि पीयू के जोक सबसे ज्यादा फनी था तो बी टाइप करना। ओके, और जो विनर होगी उसका नाम मैं अनाउंस करूंगी मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रिंसेस रोज 121 में परसों या फिर कल शाम 6 बजे। ओके, तो आप सब जरूर बताना ये वो ए और बी। और तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कौन बोलेगी, मैं या पीयू? तुम बोलो। मैं? हाँ। ओके, वेट गाइस, तो ये जोक्स मैं बोलती हूँ, सुनिए आप सब फिर बताना। तेरे प्यार में कितना इंतजार किया, तेरे प्यार में कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। कैसा लगा अब तो बताओ। उसने कहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने भी कह दिया दिमाग में ही दे दे, वो तो तेरी खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। बहुत फनी था, बहुत ज्यादा। अब मेरी बारी। ओके, तो सेकंड जोक्स कौन सा था, थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो सेकंड जोक्स कि अर्ज किया है, वाह वाह, कि अर्ज किया है पंखा चले तो हवा देती है। बाबा कौन करेगा, बाबा कौन करेगा? कि अर्ज किया है बाबा पंखा चले बाबा, अरे पूरा बोल ले दे। कि अर्ज किया है पंखा चले तो हवा देती है और नहीं चले तो नहीं देती है। बहुत अच्छा। पीयू की बारी। बचपन में ना गलती से मैंने सर्फ एक्सल खा लिया था, तभी से मेरा दिल बहुत साफ है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पता है गाइस, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसका नाम पी से शुरू होता है ना वो सिर्फ देखने में ही मासूम होता है लेकिन दिल से डायन होती है। बताने की जरूरत नहीं, पब्लिक समझ गए। तब मेरी बारी, मेरी सेकंड। रुको, एक प्यारा सा बोलूंगी मैं कुछ। तो गाइस, मेरी सेकंड जोक्स है। पीयू सुन ले, बाबा करना। ओके, कॉफी को हिंदी में कहते हैं नकल, बोल बाबा। बाबा, ये खुदा कैसे बना सकता है तू इतने गंदा शकल। मतलब जो कोई मेरी बेइज्जती है। बताओ तेरा बारी। तो सुनो मेरी दाद की कहानी, सिंह सा तू जैसो नहीं समझे ना, मालूम था मुझे तुम लोग नहीं समझोगे। What is this? क्योंकि इसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये दिल में आती दिमाग में नहीं, क्योंकि टोटल कंफ्यूजन है ये, इसे सिर्फ मैं ही झेल सकती हूँ। आप मेरी बारी ना। तो ए साड़ी उन सभी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जिनका ब्रेकअप हो गया है,
कि जब से तू मेरी जिंदगी से गई है बाय गॉड जिंदगी जीने का मजा आ गया। अब तेरी बारी बता। तो आप कहाँ से हो? अरे पूरा तो सुन लो। लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपुर, ए जिंदगी झंडपुर। बताना समझ में। अब मेरी बारी ना, रुको। अब मैं थोड़ा सा इंसान के बारे में बताती हूँ इस जोक्स में, कि इंसान की समाज सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नडज हो जाता है और उसे शेर कहो तो खुश हो जाता है। सच बात है ना यार, अगर हम किसी को जानवर कह दे तो इतना गुस्सा आ जाता है उसे कि मुझे जानवर कैसे कह सकते हो, और वही अगर आप उसे कहो अरे तू तो शेर की तरह है। अजीब है यार। अब क्यों बता दूं? बचपन से ही शौक था कि मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिसे मैं पाकर पूरी दुनिया भूल जाऊं, और वो मैं हूँ। और ये है, फिर मुझे एक दिन मोबाइल मिल गया। जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता। पता था ये। और ये मेरी जोक्स नहीं है, ये बस मेरी पीयू के लिए एक लाइन मेरी नहीं यार, मेरे बहुत प्यारी सी लाइन है कि सब लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, कि सब लोग दिल के बुरे नहीं होते, कुछ लोगों का ना दिमाग ही खराब होता है, जैसे कि मैं। हम पागल नहीं है भैया, हमारे दिमाग खराब है। तो अब मैं शायरी बोलती हूँ, क्या हो गया? नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही था, तेरी तारीफ में मैंने वो कहा। तो ये शायरी उन सभी के लिए है जिनका शादी हो चुका है, कि जिनका शादी हो चुका है और वो दिल से कहना चाहते, उनके लिए है ये शायरी, कि किस किस का नाम लूँ अपनी बर्बादी में। कि किस किस का नाम लूँ अपनी बर्बादी में, कि बहुत लोग आए थे दुआ देने मेरी शादी में। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। बता मैं, हर पागल इंसान कहता है मैं पागल नहीं हूँ। खैर छोड़ो, आप बताओ आप पागल हो या नहीं? जरूर बताना हो क्या? आपको बताना ही पड़ेगा। जरूर बताना हो। तो अब ये मेरी शायरी है उन सभी इंसान के लिए जो अपनी वेट को लेके बहुत जल्दी परेशान है। वो सोचते हैं अरे मैं मोटा क्यों हो रही हूँ, मुझे डाइट करना है, मुझे मेरी मतलब वेट कम करना है। तो उनके लिए ये आपको मोटिवेट करूंगी मैं, कि रोज रोज वेट नम कर क्या करना है, एक दिन तो सबने मरना है, 4 दिन की है जिंदगी, खा लो जी भर के, अगले जन्म तो फिर 3 किलो से ही स्टार्ट करना है। अगला जन्म 3 किलो से तो पैदा होंगे, तो इस जन्म में जितना चाहे खा लो, मजा कर लो, 4 दिन की जिंदगी है यार, खा लो। फेवरेट खाओ। इसको बहुत लगती है भूख, ये बहुत ज्यादा खाती है, इसको ये बात समझ आ गई कि अगले जन्म में 3 किलो से स्टार्ट करना है। अब तो और भी ज्यादा ज्यादा खाऊंगी मैं। अच्छा हाँ? नहीं मेरे पास डॉगी जैसे खाना खाती है। सुनो सट, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए मैं देर से सोती हूँ और देर से उठती हूँ। दिस इज नॉट फेयर। इसको मैं बहुत मारूंगी, बहुत लेट करती हूँ उठने में गाइस। सो गाइस मेरी नेक्स्ट जोक से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये नहीं चाहते कि मैं पढ़ूं, जो सिर्फ सोना खाना पीना चाहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना चाहते, तो उनके दिल की आवाज है ये जो मैं आज बता रही हूँ, कि पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई का आइडिया किसका था, आराम से गुफा में रहते, पत्थर से आग जलाते, झिंगा वाला हुक्का
हो रहे खूबसूरत लोग इतना बिजी क्यों होता है? आप सोचो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। घर में रहना अच्छी बात है। इतनी ना मैं हमें मत रहो यार कि अपने बालों की कलर और अपने फेस की कलर ही भूल जाओ। देखो देखो अच्छे से देखो, बाल की कलर और मेरी कलर देखिए ना गाइस, सेम कलर है ना पियू के बाल की। थैंक यू। पता है तो गाइस सुनो, अपना हमारा और कोई जोक्स हमने कलेक्ट नहीं किया था, यही था। तो आपको हमारी और पीयू की दोनों में से किसका जोक्स सबसे अच्छा लगा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपको मेरी जोक्स सबसे अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ए टाइप करो, और अगर पीयू की जोक्स आपको सबसे अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि पीयू विनर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बी टाइप करो। और आज के इस कॉम्पिटिशन में कौन विनर है वो मैं कल शाम 6 बजे मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दूंगी, और उसके लिए है एक सरप्राइज, वो भी आपको कल शाम 6 बजे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर मिल जाएगा। तो आप सब प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। ओके गाइस, और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लो, और भी मेरी बहुत सारी वीडियो है, बहुत सब देखो। और गाइस पता है पीयू कितनी गहरी नींद सोती है? कल रात को ना इतना ज्यादा तूफान हुआ था और लाइट भी चला गया था, इतना गर्मी था और इतने जोर जोर से वो क्या कहते बिजली चमक रहा था, और मुझे इतना डर लग रही है और ये बिंदास सो रही है। कोई इतना कैसे सो सकता है यार? और अभी बोल रही है कि सुबह जल्दी उठना शैतान की काम है, इसीलिए मैं देर से सोती हूँ, देर से उठती हूँ। सोती जल्दी है पता है, रात के 10 बजे सोती हूँ, दिन के 10 बजे उठती हूँ। नहीं यार सुनो, मैं 10 बजे सोती हूँ और 11 बजे उठती हूँ, तो 1 घंटा ही तो सुन। अरे बहुत ज्यादा शैतानी है यार, इतने सो सो कर अपनी टाइम वेस्ट करती है। छी छी छी। सुनने के लिए आने नहीं ना, पता है मेरी एक जोक्स में मुझे और एक बार बोलने के मन कर रही है। कि कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल। हे ऊपर वाले, तुम कैसे बना सकते इतनी गंदी शकल? बोला तुमने तो और एक बार बोलने का मन कर रहा था, मैंने बताया ना तेरी शकल देख के। मुझे ना कभी कभी रात को ना नींद भी नहीं आती, इसकी शक्ल देख के मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। कितनी सुंदर मैं सुंदर गाइस पता है, पहले ना फिल्टर पानी साफ करने के लिए होता था, और अभी चेहरा साफ करने के लिए होता है। ओके गाइस चलो, बहुत मस्ती कर ली हमने, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुंदर मैं क्या करूँ, तब तक आप सब मेरे साथ जुड़े रहो। लव यू। मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपने नहीं फॉलो किया तो जरूर करना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रिंसेस रोज 121, और इसकी इंस्टाग्राम आईडी है बता दे प्रिंसेस 121। ला 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 ला। लव यू गाइस, आप सब अपना ख्याल रखना, आप सब मेरे लिए मतलब क्या कहूँ, एकदम अनमोल हो। आप सबको मिलके ना, आप सबको पाके ना, मैं इतना ज्यादा लकी हूँ मैं बता नहीं सकती। आप सबके प्यारे सपोर्ट की वजह से मैं इतना ज्यादा हैप्पी फील करती हूँ हमेशा। सच बोलूँ तो गाइस, मेरी लाइफ में ना पहले बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स था, बहुत बहुत ज्यादा मैं दुखी रहती थी। सच कह रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी सिर्फ एक बात सोच के मैं हमेशा खुश रहती हूँ कि आप सबका साथ है मेरे साथ। दिल से कहती हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी फील करती हूँ ये सोचकर कि आप सब इतना ज्यादा प्यार करते हो मुझे, आप सब हमेशा मेरे साथ रहते हो। लव यू गाइस, ऐसे ही बस आप सब मेरे साथ रहना, मुझे मेरी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। और आप सब अपना ख्याल रखना।